हेलो गाइस, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। रिसेंटली सीबीआईसी ने एक फैसिलिटी इनेबल किया था ऑन जीएसटी पोर्टल कि जिनका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, तो उनके पास ऑप्शन है आइदर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली जो रिटर्न है उनका आफ्टर फाइलिंग दियर रिटर्न और जो भी उनके ड्यूज़ है, फीस पेनल्टीज पेमेंट करना, जो भी ड्यूज़ है वो उन्होंने अगर टैक्स पेयर ने कर दिया है और लास्ट सिक्स मंथ्स का रिटर्न या फिर टू क्वार्टर के रिटर्न अगर वो टैक्स पेयर ने फाइल कर दिए है, तो वो केसेस में सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका जो सस्पेंशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वो रिवोक कर देगी। और अगर ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में जो टैक्स पेयर्स है वो खुद ही जीएसटी पोर्टल पे जाके इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जो उनका सस्पेंशन है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये फैसिलिटी रिसेंटली जीएसटीए ने जीएसटी के पोर्टल पे इनेबल किया था। अभी इसमें इशू ये होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनका जीएसटी रिटर्न सस्पेंड हो चुका है, बट वो जब भी फाइल करने जाते हैं तो उनको ये ऑप्शन इनेबल नहीं दिखता है, ये ऑप्शन ही नहीं दिखता है व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के अंदर टू इनिशिएट द ड्रॉप प्रोसीडिंग। तो ये बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे टैक्स पेयर्स के केसेस में, तो ये क्यों इशू आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो ये एडवाइजरी है सीबीआईसी, जिसमें उन्होंने बताया है ये ड्रॉप प्रोसीडिंग फैसिलिटी के बारे में। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो आप ड्रॉप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है कौन कौन से केसेस में आप ये ड्रॉप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, हु हैव फाइल्ड सिक्स मंथली रिटर्न और टू क्वार्टरली रिटर्न, दैट मीन्स कि लास्ट सिक्स मंथ्स का रिटर्न आपने अपलोड किया है, फाइल किया है। इफ सच टैक्स पेयर्स हैज फाइल्ड देयर ऑल पेंडिंग रिटर्न्स, देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप द प्रोसीडिंग एंड रिवोक सस्पेंशन। फर्स्ट पॉइंट है कि सिस्टम ही खुद से रिवोक कर देगी उनका सस्पेंशन। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर नहीं होता है रिवोक और अभी तक एक्टिव नहीं दिख रहा है ये सारे रिटर्न फाइल करने के बाद भी, तो टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग कर सकती है जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद। सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज होता है, उसके अंदर व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, उसके अंदर एक ऑप्शन इनेबल होता है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग। लेकिन ये इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग सारे टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये उन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर वो टैक्स पेयर के पोर्टल पे ही दिखेगा जहाँ जिनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हुआ है आफ्टर 1st December 2022। ये एडवाइजरी के अंदर ही डिपार्टमेंट ने ये नोट लगाया है, दिस फंक्शनलिटी इज एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर हु जीएसटीएन हैव बीन सस्पेंडेड आफ्टर 1st December 2022। तो जिनका जीएसटी का सस्पेंशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिपार्टमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है और वो सस्पेंशन 1st अक्टूबर 2022 के बाद का है, तो ही ये फैसिलिटी टैक्स पेयर अवेल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जिनका उसके पहले का है उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं दिखेगा वहाँ पे, या फिर ये ऑप्शन एक्टिव नहीं रहेगा उनके लिए फॉर इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग। अभी दूसरा केसेस है कि जिनका 1st दिसंबर 2022 के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, उन्होंने सारे रिटर्न्स फाइल किए हैं, जो भी पेमेंट्स थे वो उन्होंने किए हैं, उसके बाद भी ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग का, तो वो केसेस में क्या करें। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू फंक्शनलिटी है, तो कोई भी न्यू फंक्शनलिटी आती है डिपार्टमेंट डिप्लॉय करती है ऑन पोर्टल, तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ ग्लिचेस रहते हैं, तो ये प्रोबेबली पॉसिबल है कि आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं कि 4 दिसंबर के बाद का आपका सस्पेंशन है और आपने जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपने फाइल कर दिए हैं, तो वो केसेस में ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस ऑन द पोर्टल में भी ये जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होएगा आपके पोर्टल पे। तो ये केसेस में आप एक ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं, एक टिकट रेज कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, तो ये जो इशू है वो डिपार्टमेंट आपको रिजॉल्व करके दे देगी अगर आप सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं। तो वो अगर इनएक्टिव फिर भी दिख रहा है तो वो केसेस में डिपार्टमेंट इसको इनेबल कर देगी, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर ग्रीवांस फाइल करें इसके रिगार्डिंग, देन अगर आपका इनएक्टिव है तो वो एक्टिव कर देगी। तो ये थे प्रोसीजर्स फॉर
initiating drop proceedings. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.